नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज मैं आप सभी के लिए ईवी क्वेश्चन आंसर ही नहीं रहेगा, उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है सीटेट, एमपीटेट या टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस? एक अच्छा असाइनमेंट बनाने का मेन एम क्या है? तो हम देखते हैं कि जो असाइनमेंट बनाया जाता है तो उसमें एक टॉपिक दिया जाता है जिसके बारे में हमें कंटेंट कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसको व्यवस्थित करना पड़ता है और फिर जाकर असाइनमेंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ व्यापक स्तर पे सीखने को मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ए ईवीएस टीचर, इफ यू आर आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज अ फील्ड ट्रिप टू अ जू, देन व्हाट शुड बी द मेजर ऑब्जेक्टिव? एक ईवीएस टीचर के रूप में अगर आपको एक ट्रिप जू के लिए ऑर्गेनाइज करने को कहा जाए तो इसमें आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो अगर बच्चों के साथ आप जा रहे हैं जू में, जू की ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप टीचर हैं, तो आपको यहाँ वहाँ पर ध्यान देना होगा कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले या नया अवसर प्राप्त हो उन्हें सीखने का। तो हमारा आंसर होगा ऑफर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रेन, तो बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने का अनुभव देना हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा प्राथमिक स्तर पे रचनात्मक आकलन जो होता है ईवीएस में, उसमें क्या शामिल नहीं होना चाहिए। तो जो ये आकलन होता है वो बच्चों के रचनात्मक कौशल को आंकता है, तो यहाँ पे उनकी ग्रेडिंग और रैंकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा आंसर होगा ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट? तो जंगलों के गायब होने में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? हमारा आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जब होता है, डैम का जब निर्माण होता है तो भारी मात्रा में पेड़ों की कटौती होती है जिससे कि डैम बन सके। तो यहाँ पे जो तीन अदर ऑप्शंस दिए गए हैं ये सेंसलेस हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर है नेपाल। कई लोग सोचते हैं कि भारत में है माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये आंसर गलत है। सही आंसर है नेपाल, वहाँ पे इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। साहिल सेड, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट ड्यू टू फीवर, आई एम गोइंग थ्रू शिवरिंग फीवर हेडेज एंड स्वेटिंग, आई हैव गो माई ब्लड टेस्ट डन एंड द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड मी रास मेडिसिन। साहिल माइट बी सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज? तो यहाँ पे कुछ लक्षण बताया गया है एक बच्चे के द्वारा और जिसे बताना है कि ये किसका लक्षण हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे शिवरिंग फीवर हेडेज स्वेटिंग दिया गया है, मतलब कपकपी, बुखार, सिरदर्द और पसीना आना। तो हमारा ये लक्षण है मलेरिया का, जिसका कि उपचार सिंकोना की छाल से किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एनिमल्स हु आर अवेक एट नाइट सी ऑब्जेक्ट्स इन विच कलर? जो जंतु रात्रि को जागते हैं वो चीज़ों को किस कलर में देखते हैं? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ब्लैक एंड वाइट। जो पशु रात को जागते हैं उनको नॉकटर्नल कहा जाता है या रात्रिचर, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द पीटल्स ऑफ फ्लावर? तो पुष्प की पंखुड़ियों में पाए जाने वाला पाउडर की तरह का जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोलन कहते हैं, पोलन। आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हेल्प इन फाइटिंग आयरन डिफिशियंसी। तो आयरन की कमी से लड़ने के लिए कौन से भोजन उपयोगी हैं? तो आयरन की कमी जो होता है उसे दूर करने के लिए आंवला, गुड़ और हरी पत्तियों की सब्जियां उपयोगी होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला, जिगेरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग पोएम्स एंड स्टोरीज इन टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। ईवीएस के बुक में पोएम और स्टोरी जोड़ने का क्या महत्व है? तो जो बच्चे होते हैं उनको स्टोरी और पोएम के माध्यम से ज़्यादा आकर्षित किया जा सकता है पढ़ाई की तरफ, तो इसलिए ईवीएस को समझाने के लिए बच्चों को पोएम और स्टोरी उनके टेक्स्ट बुक में दी जाती है, जिससे कि उनको उनके इमेजिनेटिव और क्रिएटिव एबिलिटी को बढ़ावा मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकरेज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, द यंग वंस ऑफ फ्रॉग आर कॉल्ड। मेंढकों के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो मेंढकों के बच्चों को टैडपोल्स कहा जाता है। हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितने मसल्स होते हैं? तो अप्रॉक्स 600 मसल्स होते हैं मनुष्य के शरीर में। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बैटरी और सेल कन्वर्ट्स एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो इनको ध्यान में दें कि कौन सी ऊर्जा को किसके किस कन्वर्टर के माध्यम से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में या किसी अदर ऊर्जा में बदला जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। ज़्यादा नहीं होते हैं, बस 10 या 12 होते हैं लगभग, सबको याद कर लीजिए आप अच्छे से। हमारा यहाँ हो जाएगा केमिकल एनर्जी। जो बैटरी होती है उससे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। वी हैव डेज एंड नाइट बिकॉज ऑफ। दिन और रात क्यों होते हैं? तो दिन और रात होते हैं अर्थ के रोटेशन के कारण, जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसी के कारण दिन और रात हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द काज ऑफ रेनफॉल। वर्षा होने में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? तो यहाँ चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी जो है, ए और बी, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, दोनों ही सही हैं, वाष्पीकरण और संघनन। तो पहले वाष्पीकरण होता है जिसके माध्यम से जल जलवाष्प बनकर वायुमंडल में आता है, उसके बाद संघनन होता है जिससे कि बादल बनते हैं, और उसके बाद हो जाती है वर्षा। तो हमारा आंसर है सी, बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड अपॉन द सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड। उष्मा के प्रवाह होने पर सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना, ठोस का द्रव में बदल जाना क्या कहा जाता है? तो उष्मा के प्रवाह होने पर ठोस का द्रव में बदल जाना मेल्टिंग कहा जाता है, पिघलना कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर सन इज। तो हमारा जो सूर्य है वो क्या है? तो सूर्य जो एक पिंड है, कौन सा पिंड है? सूर्य तारा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ड्यूरिंग समर द अर्थ इज। गर्मी के समय पृथ्वी होती है क्लोजर टू द सन, सन के नजदीक। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी एक्सहेल आवर लंग्स हैव टू। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों को होना पड़ता है। तो आंसर होगा संकुचित, ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो पहले यहाँ जान लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो ऐसा वेस्ट जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सके, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक, पॉलिथीन, ग्लास, ये तीनों के तीनों ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसी के साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है।
अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहें।